आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इंडिया गठबंधन के बैनर तले कांग्रेस पार्टी के संगठन एवं लोकसभा के लिए अगली रणनीति तय करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा इन 14 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी के शीर्ष वरिष्ठ नेताओं को संगठन स्तर पर समन्वय के रूप में और प्रभारी के रूप में जो नियुक्ति की गई है उसकी आज प्रथम बैठक थी। ये अति महत्वपूर्ण बैठक थी जिसके माध्यम से माननीय राहुल गांधी जी ने जो पूरे देश को और देश की राजनीति को एक नया मोड़ देते हुए नफरत की राजनीति से हटकर एक मोहब्बत की और भाईचारे की राजनीति का जो आह्वान देश की जनता से किया है उसे साकार करने के लिए आज जो नकारात्मक प्रवृत्ति के जो राजनीति चल रही है उसका मुकाबला एक मजबूत संगठन के माध्यम से और आने वाले लोकसभा चुनाव की इस चुनौती को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ स्वीकारते हुए झारखंड में मजबूती के साथ हम तैयार हैं और उस तैयारी को और पुख्ता करने के लिए जो संगठन की बांधनी जो संगठन की रचना पिछले दिनों प्रदेश स्तर पर जिला स्तर पर प्रखंड मंडल और पंचायत स्तर पर जो पूर्ण होता आया है उस संगठन के माध्यम से हमारी बाकी जितनी अग्रिम संगठन हैं उन संगठनों को भी के साथ में समन्वय करते हुए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को की जीत को सुनिश्चित करने का और रणनीति तय करने का आज यहाँ पर इस बैठक में हमने चर्चा की। मुझे खुशी है कि प्रदेश के हमारे अध्यक्ष सांसद चारों कार्यकारी अध्यक्ष हमारे चारों माननीय मंत्रीगण हमारे विपक्ष के हमारे पक्ष के उपनेता पार्टी के भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अन्य जितने भी उपाध्यक्ष हमारे 12 उपाध्यक्ष और अन्य अनुभवी नेताओं को इस प्रकार से 30 नेताओं की ये टीम जो कि एक कोर टीम है लोकसभा लक्ष्य 2024 को पूरा करने की इस बैठक में आने वाले दिनों में हर लोकसभा में एक समन्वय समिति की घोषणा होने जा रही है जिसमें वहां के स्थानीय प्रमुख नेताओं को इलेक्टेड भूतपूर्व और वर्तमान इन सभी नेताओं का समन्वय करते हुए अन्य संगठनों की जितनी भी इकाइयां हैं उनके साथ चलकर मतदाता सूची की सुधारणा से लेकर और हर बूथ पर बूथ कमेटी की निर्मिति ये इसका प्रथम लक्ष्य होगा। हर कार्य की सूची समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी और आने वाले दिनों में कांग्रेस का नेतृत्व आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के तिथियां सुनिश्चित करने के लिए निवेदन किया गया है। 6 पब्लिक मीटिंग्स पूरे प्रदेश के अंदर में दिसंबर से पहले करने का प्रस्ताव हमने रखा है। वो स्वीकृति के बाद जो भी डेट होगी वहां पर अलग अलग संगठन के हमारे सभी लोग मिलकर लोकसभा में इन पब्लिक मीटिंग्स का जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। कुछ विशेष रूप से जो हमारे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसके लिए एक LDM प्रोग्राम की घोषणा की गई जिसके तहत पैरेलली मजबूती के साथ बूथ वाइज संगठन काम कर रहा है। उसकी भी भीम कुमार जी यहाँ पर हैं वो भी उसको देख रहे हैं और उसका भी के राजू जी और ललोटिया जी उनके साथ भी 15 तारीख के आसपास एक बैठक उन लोकसभा के लिए अलग से होगी। एक चीज़ में और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आने वाले दिनों में हर लोकसभा वाइज जो इश्यूज़ होंगे जो भी वहाँ की स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों के अंतर्गत हर लोकसभा के लिए अलग अलग रणनीति तय की जाएगी और इसके चलते हुए
जो हमारे राज्य राष्ट्रीय स्तर पर जो समन्वय समिति है, जो गठबंधन इंडिया गठबंधन के तहत जो सीटों का बंटवारा है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। हर दल मिलकर कोशिश करके गठबंधन का जहां पर उम्मीदवार बेहतर तरीके से हम रख सकते हैं और संगठन मजबूती से लड़ सकता है, वहां पर आपसी समन्वय से वह भी निश्चित किया जाएगा। लेकिन उसके लिए संगठन, सभी संगठन और विशेष रूप से कांग्रेस ने इसमें इनिशिएटिव लिया है कि कांग्रेस आगे बढ़कर अपनी तैयारी शुरू करे। इसके अलावा हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के, जैसा आपने देखा कि आज एक मैत्रीय समारोह रखा था, मैत्रीय सम्मेलन, जिसमें पिछले 20-22 साल के हमारे महिला कांग्रेस की नेत्रियां जो संगठन के माध्यम से प्रमुख संगठन में और अन्य जिम्मेदारियों का वहन कर रही हैं, उनको मिलाकर महिला कांग्रेस को भी और इसी प्रकार से यूथ कांग्रेस, NSY, सेवा दल और हमारे सभी जो हमारे डिपार्टमेंट्स और सेल्स हैं, 30 तारीख से पहले इन सभी संगठनों की इकाइयों की समीक्षा होते हुए उनकी पूर्णता के साथ साथ हर एक संगठन को इस चुनाव के रणनीति में एक स्वतंत्र रूप से जिम्मेदारी दी गई है, और जिसके चलते पूरे प्रदेश के अंदर में 320 से ज़्यादा जिला सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे जो लोकसभा के निरीक्षक हैं और जो समन्वयक हैं, आगे उनका जिस प्रकार से दिशा निर्देश होगा, जिस प्रकार से उनका आंकलन होगा, उस प्रकार से वहां के कार्यक्रम सुनिश्चित किए जाएंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।